स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक रहस्य से भरी कहानी। इस कहानी में आपको हम ले जाएंगे एक ऐसे सफर में जिसमें डर, रहस्य और रोमांचित करने वाली घटनाएं सब सुनने को मिलेगा। इस कहानी में एडवेंचर भी है, खजाने की खोज से लेकर पशु पक्षी से संपर्क करना और भी बहुत कुछ। इस कहानी के लेखक है श्री भगवत किनकर जी। कहानी शुरू करने से पहले आज मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी हमारी कहानी सुनते हैं उन्होंने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वह भी सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे चैनल को दें, और वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि कहानी बहुत ही रोमांचित करने वाली है आपको। और हाँ, ये कहानी थोड़ा अलग होने वाली है, वो आपको कहानी सुन के पता चल ही जाएगा। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं हमारी कहानी की ओर। वह एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाता था। न जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु पंथ को लग गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रंथ का हेतु अथवा उपयोग ही जानते थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी न हुआ था। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया है तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की, उसके साथ आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश पाले हुए है। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है, लेकिन यह सच है कि अगर आप वह कर पाए तो आप वह कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समय में पीछे गए और आपने कुछ घटनाएं बदल दी तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा, और इतिहास के साथ आप भी। मतलब आप इतिहास बदलने के लिए गए, ये परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने समय बदला ही नहीं, मतलब इतिहास वैसा का वैसा ही है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने वाले को यह ताकत देता है कि वह चाहे जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकते हैं, उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सके। लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीलावंती के बारे में बताएगा, और साथ में यह चेतावनी भी कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने लगती है। तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है, वही चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को समय जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब तब की बातें हैं जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो। क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। पैशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता रहा है कि हिमालय की गुफा कंधराओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को वह रहस्यमयी लिपि आती है, लेकिन वह कहां है यह भी कोई नहीं जानता। तो पूरी बात यह है कि वह ग्रंथ कैसा है यह भी कोई नहीं जानता, ना वह कहां है ना उसके पढ़ने का तरीका ही। लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है, यह जानने से ही कोई भी उसे खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कोई भी का मतलब जिसे किसी अलौकिक कार्य में अतिरुचि हो। ग्रंथ को खोजने का पहला चरण यह था कि ग्रंथ की खोज कहां से शुरू करें। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना है उन्होंने भी उनसे सुना है, जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना ही है, देखा नहीं है। और ऐसे ही यह श्रृंखला पता नहीं कहां तक जा सकती है। नीलावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है, उसे लोग बाजिंद कहते हैं, और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करे। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे
वह चाहे जिस भी काल में हुए हों या फिर किसी भी जगह से हो, उनमें एक और समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल दो लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला था ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूं जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। उसका नाम राव साहेब था। वह रत्नागिरी के पास एक गांव का जमींदार था। मुंह में चांदी का चम्मच लेकर जन्म हुआ था। कमी किसी बात की नहीं थी। मल्ल थे इसलिए बल भी था। धन और बल दोनों से वे अपने सामने हर किसी को झुकाना पसंद करता था। बहुत अमीर होने के बावजूद उसे एक बात की कमी हमेशा खलती थी, एक ऐसी बात जिससे सब सुख होने के बाद भी उसकी कई पुश्तों को अफसोस के साथ जीने के लिए मजबूर किया था। इस बात का पता चलते ही वे एक ही बात सोचने लगते थे कि शायद यह किसी तरह से बदला जा सके। वह बात यह थी कि उसके खानदान में बहुत पहले किसी ने केवल गलतफहमी के कारण 7 कुएं भर जाते इतना सोना और हीरे जवाहरात समुद्र में डुबा दिए थे। उन्हें अफसोस इसी बात का होता था कि काश वह बात बदली जा सकती तो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते, पर ऐसा तभी हो सकता था जब समय में पीछे जाकर उस गलतफहमी को दूर किया जा सके। राव साहेब को पहले यह बात पता नहीं थी कि समय में पीछे जाया जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान मनुष्य इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता जो असंभव हो। पर जैसा कि उसके पहले कई पुश्तों ने किया था, केवल वह उस धन का पता लगाना चाहता था। उसके लिए उसने भी उन्हीं तरीकों को अपनाया था जिसे उसके पुश्तों ने अपनाया था, जैसे ज्योतिषियों, तांत्रिकों, मांत्रिकों के माध्यम से धन का पता लगाना। लेकिन बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं हो सका था। समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे थे, लेकिन उस अमर याद धन के आगे इस धन की कोई कीमत नहीं हो सकती थी। और ऐसे में ही एक दिन रत्नागिरी में एक अद्भुत मांत्रिक आया। लोग कहते थे कि उसने पिशाच वश में किया हुआ है, जो उसका हर एक हुक्म मानता था। राव साहेब को उसमें रुचि नहीं होती, यह कैसे हो सकता था। राव साहेब भी रत्नागिरी चला गया और उस मांत्रिक को मिला। पहले ही मुलाकात में मांत्रिक ने राव साहेब पर ऐसी छाप छोड़ी कि उसने मांत्रिक को अपने हवेली पर बुलाया। मांत्रिक आने के लिए काबुल हो गया। 2 दिन बाद ही मांत्रिक राव साहेब की हवेली पर था। उसकी अच्छी मेहमान नवाजी की गई। हर तरह से उसे प्रभावित करने की कोशिश हो रही थी, इसलिए कि राव साहेब ने यह भी सुना था कि मांत्रिक के पास अंजन बनाने की विधि है। प्राचीन काल से ही लोगों में यह बात प्रचलित है कि किसी तरह का रासायनिक काजल, जिसे अंजन कहते हैं, वह आंखों पर लगाने से जमीन के नीचे दबा हुआ खजाना दिख जाता है। वही पाने के लिए राव साहेब इतने यत्न कर रहा था। 1 हफ्ता निकल गया, पर मांत्रिक ने कुछ नहीं कहा। वह तो अच्छे भोजन और मुलायम गद्दों का आनंद ले रहा था। राव साहेब के सब्र का बांध टूटने लगा था। लेकिन फिर भी अगर मांत्रिक को बुरा लगा तो कहीं ये मुझे शाप ना दे दे, इसलिए उसने चुप बैठना ही ठीक समझा। राव साहेब का यह धैर्य व्यर्थ नहीं गया। 2 दिन मांत्रिक और राव साहेब एक कमरे में अकेले बैठे थे। तब मांत्रिक ने राव साहेब से पूछा कि उसे उससे क्या चाहिए। तब राव साहेब ने अपनी इच्छा और उस खानदानी खजाने के बारे में मांत्रिक को बताया। मांत्रिक की आंखें चमक उठी। उसने जिंदगी में कभी इतने खजाने के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उसने अपने चेहरे को निर्विकार रखा। उससे जाहिर नहीं होने दिया कि उसे भी खजाने की लालसा है। उसने राव साहेब को अपना इतिहास बताना शुरू किया कि कैसे वह मांत्रिक बना। उसने जो बताया वह यह था, मैं भी पहले एक सीधा साधा किसान था। मेरा नाम बाबू था। मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन माँ बाप में से कोई भी तब जीवित नहीं था। मेरे पास कुछ बीघा जमीन थी, उससे ही अपना गुजारा करता था। एक शाम मैं खेत से लौट रहा था तो मुझे अपने दोस्त, जो आग जलाकर उसके पास बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे, वे दिख गए। उन्होंने भी मुझे देखा और आवाज लगाई, कहा कि मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठूं, काम तो रोज का लगा ही रहेगा। मुझे भी यह बात ठीक लगी कि आदमी को थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। घर में बीवी राह देख रही होगी, यह बात तो मेरे दिमाग में थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक आध दिन थोड़ी देर हो गई तो क्या हो जाएगा, कोई बहाना बना लेंगे। गप्पे लड़ाते लड़ाते समय का ध्यान ही नहीं रहा, बहुत देर हो गई। मैं गांव के बाहर रहता था। मैंने अपने दोस्तों से इजाजत मांगी और अपने रास्ते लग गया। मुझे खेत जाने के लिए पूरा गांव पार करना पड़ता था, क्योंकि मेरे घर और खेत के बीच में गांव था। और एक बात थी, मुझे डर बहुत लगता था
और मेरे घर जाने के रास्ते में श्मशान भूमि थी। मैं घर इसलिए जल्दी जाता था कि रात को श्मशान के पास से गुजरना न पड़े, लेकिन उस दिन मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने जैसे तैसे अपने मन को तैयार किया, क्योंकि आगे श्मशान भूमि यानी भूतों का इलाका शुरू होने वाला था। मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए यह बात बहुत गंभीर थी। मैं तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा, मुझे बस अपने घर पहुंचना था। अब श्मशान भूमि शुरू हो गई थी। मैं मन में राम नाम जपने लगा। अचानक से अंधेरा बहुत घना हो गया। मेरा डर अब चरम सीमा तक पहुंच गया। मुझे अब इतना ज्यादा डर लग रहा था कि अब इसी डर की वजह से मेरी मौत ना हो जाए, इस बात की चिंता होने लगी थी। श्मशान के सन्नाटे को उल्लुओं की आवाज भंग कर रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो गया। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आई। डर की एक तेज लहर मेरे सीने से दौड़ गई। मैं जगह पर ही खड़ा रहा। दूर कहीं कुछ चमक रहा था, लगता था किसी की चिता जल रही थी। अब मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मेरे सीने में तेज दर्द होने लगा। मेरी सांस तेजी से चलने लगी और धड़कनें सामान्य से दुगनी हो गई। मुझे फिर से वैसी ही चीख सुनाई दी, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा, लेकिन वह चीख नहीं थी, वह तांत्रिक मुझे पुकार रहा था। मैं सोच में पड़ गया कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे तांत्रिक के पास जाना चाहिए या अपनी जान बचाकर भागना चाहिए। मैंने निर्णय कर लिया कि मैं अपनी जान बचाऊंगा। मैं भागने लगा। मुझे जल्दी से अपने घर जाना था, जहां मैं खुद को महफूज मानता था। थोड़ी ही दूर गया था कि वह तांत्रिक मेरे आगे ही प्रकट हो गया। अब तो मुझे लगा कि मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन तांत्रिक ने अपना अंगूठा मेरे माथे पर लगाकर मुझे शांत किया। मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा था कि मेरा डर ना जाने कहां गया था। उस तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़कर उस जलती हुई चिता के पास लेकर गया। मैंने देखा वह चिता कम और हवन कुंड ज्यादा लग रहा था। उसके आसपास बहुत सी अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थीं। उसमें से कुछ तो भयानक भी थी, जैसे कि इंसान की खोपड़ी, खून से भरे प्याले, अलग अलग मिट्टी के बर्तनों में कई पशुओं के अंग भरकर रखे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब चल क्या रहा है। मैंने तांत्रिक को पूछने का सोचा, लेकिन तांत्रिक ने जैसे मेरी इच्छा भांप ली। उसने उंगली मुंह पर रखते हुए इशारे से चुप रहने के लिए कहा। मैं बहुत देर तक बैठा रहा, जब तक कि उस तांत्रिक ने सारी विधियां पूरी नहीं की। अब मध्य रात्रि हो रही थी, रात शायद अमावस की रही होगी। तांत्रिक उसकी विधि पूरी होते ही वहां से उठा और उसने मुझसे कहा कि उसे आगे की विधि करने के लिए किसी स्त्री की बलि देनी होगी जिसको अब तक बच्चा ना हुआ हो। मेरा दिल दहल उठा। मुझको लगा कि मैं किस मुसीबत में पड़ गया है। मुझे बच्चा नहीं हुआ था और मेरी बीवी घर पर थी। मैं एक साधारण किसान था। मेरी और मेरी पत्नी का न कभी झगड़ा होता था, न वह मुझे किसी बात के लिए तंग ही करती थी। उस तांत्रिक के पास ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी कि मैंने उसे अपनी बाउंज बीवी के बारे में बताया। बताते समय भी मुझे लग रहा था कि यह ठीक नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान अब मेरे नहीं, किसी और के बस में थी। तांत्रिक ने जैसे ही मुझसे मेरी बीवी के बारे में सुना तो वह खुश हो गया। उसने मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा छुरा दिया और कहा कि अपनी बीवी को यहां लेके आओ या फिर उसका सिर काट कर लेके आओ। साथ में एक इंसान की खोपड़ी भी दी और कहा कि यदि बीवी साथ में नहीं आती और अगर मैं सिर काटने का फैसला लेता हूं तो जैसे ही गर्दन पर छुरा लगाऊं तुरंत इस खोपड़ी में खून जमा करूं बिना एक भी बूंद जमीन पर गिराए। मैंने छुरा हाथ में पकड़ लिया। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं घर की तरफ जाने लगा, जहां मेरी बीवी सोच रही होगी कि उसका पति हर रोज दिन ढलने से पहले खेत से लौट आता है, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मध्य रात्रि के बाद भी वह नहीं आ पाया। शायद उसने बहुत देर तक मेरी राह देखी थी और वैसे ही दरवाजे के पास सो गई। मेरा घर सुनसान इलाके में नहीं था। मेरे घर के आसपास भी थोड़ी दूरी पर कई घर बनाए हुए थे, लेकिन देहातों में लोग जल्दी सो जाते हैं तो दो चार कुत्तों के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि कुत्ते कोई नया इंसान गुजरने पर भौंकते जरूर थे, लेकिन मुझसे उनकी पहचान थी इसलिए वह हिले तक नहीं। मैं अपने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। घर में कुछ था ही नहीं तो चोरों का कैसा डर, सिर्फ आगे धकेला हुआ था। मैंने सोचा यह अच्छा हुआ, अगर दरवाजा बंद होता तो बीवी जाग जाती, जिससे सारा पासा पलट सकता था। बीच बीच में मुझे हैरानी भी हो रही थी कि मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूं जो किसी तांत्रिक के कहने पर अपनी बेगुनाह बीवी को बेवजह मार डाले।
लेकिन यह मेरा दिमाग सोच रहा था, शरीर की कृति इससे बिल्कुल विपरीत, जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। मैं दरवाजा धकेल कर अंदर गया तो वहीं पर मेरी बीवी सोती हुई दिख गई। मेरा दिमाग जोर जोर से चिल्लाने को चाहता था। मैं चाहता था कि बीवी को चिल्लाकर उठा दूं और भाग जाने के लिए कहूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने धीरे से छुरा और खोपड़ी बगल में रख दी। अब मेरे हाथ बहुत सफाई से बीवी का गला घोंट रहे थे। मेरी अभागी बीवी को आंखें खोलने तक का मौका नहीं मिला। वह छूटने के लिए बहुत छटपटाई, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए, और फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया, लेकिन शरीर से वह वैसा ही निर्विकार था। मैं अपने घर में थैला ढूंढने लगा जिसमें छुरा और खोपड़ी रख सकूं। मुझे थैला मिल गया। मैंने थैले में छुरा और खोपड़ी रखी, थैला कंधे पर लटका दिया, फिर धीरे से अपनी बीवी का शव उठाकर कंधे पर लिया और घर से बाहर आया। बाहर से कुंडी लगाकर घर बंद किया और श्मशान की ओर बढ़ा, जहां वह तांत्रिक मेरी राह देख रहा था। श्मशान में पहुंचने के बाद मैंने अपनी बीवी का शव उस हवन कुंड के पास लिटा दिया और तांत्रिक को कहा कि मैं उसकी गर्दन काटने का धैर्य नहीं कर पाया। तांत्रिक ने कहा कि वह यह काम खुद कर लेगा। तांत्रिक ने मुझे बैठने का इशारा किया और उसने दूसरी विधि प्रारंभ कर दी। उसने मेरी बीवी के शव की मांग भरी। हवन कुंड की अग्नि जब बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो गई तो उसने बड़ी सफाई के साथ मेरी बीवी का सर धड़ से अलग कर दिया। खून की धारा बहने लगी जो तांत्रिक ने पहले से ही नीचे पकड़े इंसानी खोपड़ी में गिर रही थी। क्योंकि उसे मरे ज्यादा देर नहीं हुई थी तो खून अभी भी गर्म था। जब खोपड़ी खून से पूरी भर गई तो तांत्रिक ने आधे से ज्यादा खून हवन कुंड में डाल दिया। थोड़ा खून जो बचा हुआ था वह उसे कुछ मंत्र बोलने के बाद घूंट घूंट कर पीने लगा। मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। ऐसा कृत्य मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था जैसा मेरी नजरों के सामने घट रहा था। तांत्रिक ने खून पीने के बाद उसी छुरे से मेरी बीवी गले से नाभि तक एक चीरा लगाया और उसमें हाथ डालकर दिल, आंते, गुर्दा आदि अंग निकाल निकाल कर उस अग्नि में डाल रहा था। साथ ही भयानक आवाज में मंत्रों के उच्चार भी कर रहा था। यह सब अगले एक घंटे तक चलता रहा। जब मेरी बीवी के कपड़ों के अलावा कुछ नहीं बचा तब यह सब थम गया। अब श्मशान का सन्नाटा महसूस होने लगा था। कभी कभी चट चट आवाजें करती, हवन कुंड की लकड़ियों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं हो रही थी। अग्नि पहले से ज्यादा धू धू कर जल रही थी। तभी घना कोहरा छाने लगा, लेकिन सिर्फ मेरे और तांत्रिक के आसपास, जैसे एक घेरा बन रहा हो। हवन कुंड से एक भयानक पिशाच प्रकट हो गया। उसने तांत्रिक से कहा कि वह उसका कोई भी हुक्म मानेगा और पूछा कि अभी उसे क्या करना है। तांत्रिक ने कहा कि फिलहाल उसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जब मैं बुलाऊं तब उसे आना होगा। पिशाच ने यह बात मान ली और वह उसी तरह उस कोहरे में गायब हो गया जैसे वह आया था। तांत्रिक ने मुझसे कहा कि हमें अब यहां से निकलना होगा, क्योंकि थोड़ी ही देर में सूरज निकल जाएगा और यदि किसी ने हमें यहां देख लिया तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तांत्रिक ने सारा सामान समेट लिया और मुझसे भी कहा कि वह वहां मौजूद हर एक निशानी को मिटा दे जिससे वहां घटी घटनाओं के बारे में पता चल सकता हो। मैंने भी वही किया जो मुझसे कहा गया। सब हो जाने के बाद तांत्रिक श्मशान के पीछे के रास्ते से निकलने लगा। उसने मुझे भी अपने साथ आने के लिए कहा। हवन कुंड और बाकी सब तांत्रिक विधियों की चीजें हटाने के बाद से ही मैं पहले जैसा बन गया था और डर से कांपने लगा था। मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ से कितना बड़ा गुनाह हुआ है। मैं तांत्रिक को पूछने लगा कि मेरे साथ उसने क्या किया था, लेकिन तांत्रिक ने जवाब दिया कि अगर मैं उसके साथ चलूं तो मुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। वैसे भी अब वहां पर रहना मेरे लिए अच्छा नहीं होता, यही सोचकर मैं उसके साथ चल पड़ा। लगभग चार दिन तक सफर करने के बाद हम दोनों रात को उस खंडहर में पहुंचे जहां वह तांत्रिक रहता था। मैंने वहां पर देखा तो वहां भी वैसी ही चीजें दिखाई दी जैसे श्मशान में थी। फर्क यह था कि तब मैं उन सब का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ना चाहते हुए भी वह मेरी जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। ये मेरी भविष्य का हिस्सा बनने वाली थी। हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। हालांकि हमने बीच बीच में रुककर थोड़ा सा आराम किया था, लेकिन वह हमारी थकान दूर करने के लिए काफी नहीं था। इसलिए आते ही तांत्रिक और मैं दोनों सो गए। सूरज माथे पर आया तब जाकर तांत्रिक की आंखें खुली। वह उठा और साथ में मुझे भी उठाया।
हम दोनों नदी पर जाकर स्नान करके आए। हम दोनों को भूख भी बहुत लगी थी क्योंकि चार दिनों से बहुत थोड़ा अन्न पेट में गया था, लेकिन वहां पर ना चूल्हा था ना भोजन की और कोई व्यवस्था। लगता था कि तांत्रिक वहां से कई महीनों के लिए बाहर आया था। तभी तांत्रिक ने जोर से पुकारा, सुलेमान, चार दिन पहले अमावस की रात को एक स्त्री की बलि देकर जिस पिशाच को वश में किया था, वही पिशाच आगे आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि उसके लिए क्या आदेश है। तांत्रिक ने उसे सबसे अच्छा खाना और पीने के लिए महंगे से महंगे पेय लाने के लिए कहा। पिशाच वो सब ले आया। जिन चीजों की मांग की गई थी वह चीजें सामने थी। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझ गया कि क्यों तांत्रिक ने इसे वश में करने के लिए इतनी मुसीबत मोल ली थी। वह कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकता था। हम दोनों ने भरपेट खाना खाया और साथ में शरबत ठंडाई का भी स्वाद लिया। मैंने तांत्रिक को याद दिलाया कि उसने साथ चलने पर सब कुछ बताने का वादा किया था। तब तांत्रिक ने बताना शुरू किया, मेरा जन्म कहां हुआ था यह तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे एक अघोरी ने पाला था जिसका नाम चंद्रा बाबू था। अघोरी वह तांत्रिक जमात होती है जो नरमांस का भक्षण करते हैं। क्योंकि मैं अघोरी के साथ रहता था इसलिए हर कोई मुझसे डरता था। वैसे मेरा कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन चंद्रा बाबू मुझको कन्नम कहकर पुकारता था। बचपन से ही नरबलि और पशु बलि को देखते देखते मेरी जैसे आत्मा मर गई थी। उस अघोरी के साथ रहने से मैं भी अघोरी ही बन गया था। मरने से पहले चंद्रा बाबू ने मुझको पिशाचवश करने की विधि बताई और कहा कि यदि किसी भी तरह से तुम्हारा गुजारा ना चले तभी पिशाचवश करने की सोचना, तब तक नहीं, क्योंकि पिशाचवश में करने के लिए तुम्हें वह करना पड़ेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं किया। किसी गांव की श्मशान भूमि में जाकर पहले बकरे, कुत्ते और मुर्गे की बलि चढ़ानी होगी और फिर किसी बांझ स्त्री की उसी के पति के माध्यम से बलि चढ़ानी होगी। यदि तुम इसमें सफल हुए तो पिशाच वश में हो जाएगा और तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेगा। उस पिशाच को हमेशा के लिए अपने हुक्म में रखने के लिए हर अमावस को तुम्हें एक बच्चे की बलि चढ़ानी होगी, तभी वह तुम्हारा हर एक हुक्म मानेगा, नहीं तो तुम्हारी बलि लेकर वह फिर से अदृश्य हो जाएगा। यह कहकर चंद्रा बाबू ने घंटे भर बाद आखिरी सांस ली। 20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने अब पिशाच वश करने की सोची और साल भर से मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बांझ औरतें हैं, मैंने ये विधि पूरी करने का प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नजर रखी और फिर ये विधि आयोजित की जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए यह काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूं, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, और जब मेरा अंत समय आ जाएगा तब मैं यह पिशाच तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कन्नम ने बात पूरी की। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाए कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूं और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वहां लाऊंगा, वह बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ था क्योंकि यह उसके जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है जिसका सर नहीं है, तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया। कन्नम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा, ना मेरा परिवार, ना ही मैं अब मेरे गांव ही वापस जा सकता था।
मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कन्नम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे और एक कागज दिखा जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहां से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और वह कागज डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई जहां पर कोई आता जाता नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी। वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी जहां से मैं भिक्षा मांगकर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की जरूरत ना हो चुने और वशीकरण, दूसरों की मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैं अब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया। उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी जिन चीजों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था तो वह लोग कई चीजों की जानकारी दे देते थे और मुझे उसका और एक फायदा यह हुआ कि वह लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता हो, उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले तो वह मुझे और भी ज्यादा मान देने लगे। जैसे ही मेरे पास वह सब चीजें जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने के लिए जरूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना तो वह आंख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना हुआ है। वह तो आंख में लगाने से ही पता चल सकता था। मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वह अंजन अपने आंखों में लगाया। पहले मेरे आंखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरे आंखों में पड़ गया हो। मुझे लगा कि मेरी आंखें चली गईं, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वह गलत बना था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नजर भी आने लगा तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूं। लेकिन मेरी आंखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था। यह मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आंखों को छुआ वह बिल्कुल बर्फ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या यह थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहां किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया। जब मैं मेरे आंखों की ठंडक का आदी हो गया तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहां भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आंखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था ना कुछ खाया था। जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान था तो मैं मना नहीं कर सका। और दूसरा कारण यह भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि यहां से भिक्षा लेकर वह गुफा में जाकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुंचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो न के बराबर था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने यह बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है। तो तब से वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं तो क्या मुझे वह उसमें से आधा धन देगा, तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया।
जैसा कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरण के सिंग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरण का सिंग आंख पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई हो ऐसी दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरण का सिंग आंखों पर लगाया और उसके जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतल का घड़ा, उसके अंदर के सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा, क्योंकि वह 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था, तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वह ऊपर निकाला जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे जैसा कि तय हुआ था। उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वह अपनी घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में यह बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गढ़ा हुआ धन निकालना हो, पर हर जगह धन होता ही था ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थीं। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे सुना तो मुझे लगा कि अगर यह खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक बाबू ने बोलना खत्म किया। राव साहेब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको दूंगा। जब खजाना मिलेगा, मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहेब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह के पता चलने पर ही होती है, और जैसा कि राव साहेब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया है, तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे यह बात कैसे पता चली। राव साहेब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू को भी राव साहेब ने वह बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था, थे खजाने बहुत दुनिया में, लेकिन यह खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं साथ ऐसी, वह राशि धन की देखकर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं, जो आया इसकी राह में पुश्ते कितनी चली गई। इस धन राशि की चाह में कई वीरों ने प्राण त्याग दिए, धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धन राशि सागर तीर्थ की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखी यह पंक्तियां पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को यह नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो यह एक दिन में नहीं हो सकता था अगर इतना सारा धन था। बाबू ने भी बहुत सोचा, मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वह बही फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर, जो आसानी से नजर भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते, दिखाई दिए। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसने वह अक्षर कागज पर उतार दिए, वह उल्टे दिख रहे थे, इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम नजर आया, नीलावंती। मांत्रिक ने जल्दी से राव साहेब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चला था। नीलावंती नाम सुनकर राव साहेब भी चौंक गया, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहेब भी महाराष्ट्र के बाकी के लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि नीलावंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है, लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने से कैसे है यह समझ नहीं आ रहा था। राव साहेब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था माणिक। उसने उन दोनों की बातें सुनी, वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ था, तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद हो जाए। यह सोचकर उसने राव साहेब को कहा कि वह नीलावंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहेब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि नीलावंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है, शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वह खजाना खोजना चाहते हो। राव साहेब और मांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात से सहमत हो गए, क्योंकि नीलावंती के बारे में जितनी भी किंवदंतियां प्रचलित थीं, उसमें से यह भी एक थी। राव साहेब ने पूछा,
लेकिन माणिक, यह तो बताओ, यह नीलावंती असल में है भी या नहीं? क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है, लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर नीलावंती देखी भी हो। वह कहां है यह तो मैं नहीं जानता हां, लेकिन उसे खोजने के लिए कहा जाना पड़ेगा यह बता सकता हूं, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबलेश्वर के जंगलों में बाजिंद रहता है। उसे नीलावंती के बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि वह भी जानवरों की भाषा बोलता है, माणिक ने बताया। ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजिंद को ढूंढेंगे और उससे नीलावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में, तो अब इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। मांत्रिक ने भी सहमति दर्शाई। दोस्तों, इस कहानी का यह पार्ट यही खत्म होता है। कहानी अभी बहुत बची हुई है। आगे क्या वो लोग नीलावंती को ढूंढने जंगल में जाते हैं, क्या है इस कहानी का रहस्य, जानने के लिए इंतजार करें हमारी कहानी के अगले पार्ट का। और कमेंट करके बताएं कहानी सुनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर अगला पार्ट भी आपको ऐसे ही सुनना है तो कमेंट में हाँ जरूर लिखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे आपको हम ऐसी ही कहानियां सुनाते रहे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। तो देर ना करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखिए।